दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक गूगल अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो जिसका कि डोमेन होगा @gmail.com। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है जिसका डोमेन है @gmail.com और यहां पे मैंने अपने गूगल अकाउंट का फोटो भी लगा रखा है। बाकी यहां से मैं कभी भी पर्सनल इन्फो में जाकर के अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता हूं। तो यहां पे कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप एक फ्री में जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है और कैसे आपको अपने नए जीमेल आईडी में मोबाइल नंबर को ऐड करना है या फिर कोई पुराना जीमेल आईडी है तो उसको ऐड करना है कभी में, ताकि आप फ्यूचर में अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाओ तो इसके माध्यम से अकाउंट को रिकवर कर सको, पासवर्ड को रिसेट कर सको। बाकी कई लोग जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और उनका जीमेल आईडी हैक हो जाता है। जीमेल आईडी हैक होने का मतलब है कि आपका जीमेल आईडी किसी को पता चल जाना और साथ ही उसका पासवर्ड भी किसी को पता चल जाना। अगर किसी को आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड पता चल जाता है तो वो आपका जीमेल आईडी लॉगिन कर सकता है, यानी कि आपका जीमेल आईडी इस तरीके से हैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको अपने जीमेल अकाउंट को यानी कि गूगल अकाउंट को सिक्योर रखना है ताकि फ्यूचर में किसी को आपके जीमेल आईडी का अगर गलती से पासवर्ड पता भी चल जाता है तो भी वो आपके जीमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लेते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने मोबाइल में जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। जो भी एग्जिस्टिंग में लॉगिन किया हुआ जीमेल आईडी है उसका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा अवतार। इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जितने भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में ऐड किए हुए हैं, साइन इन किए हुए हैं। तो आप अपने एक ही मोबाइल में मल्टीपल जीमेल अकाउंट को ऐड कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो और कभी भी चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना होता है, यानी कि नया जीमेल आईडी ऐड करने के लिए इस पे क्लिक करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी जीमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस इस पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको एड अनदर अकाउंट इस पे क्लिक कर लेना है नया जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग कंपनी के ईमेल को आप क्रिएट कर सकते हो। गूगल का जो ईमेल आईडी क्रिएट होगा वो होगा आपका जीमेल आईडी, यानी कि एक ईमेल आईडी क्रिएट होगा जिसका डोमेन होगा @gmail.com। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो उसका डोमेन होगा @outlook.com, @hotmail.com या फिर @live.com। सिमिलरली आप @yahoo.com का भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ मैं जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ यानी कि गूगल का ईमेल आईडी, तो गूगल के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड सेट किया हुआ है वो आपको एंटर कर देना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको जीमेल आईडी साइन इन करने के लिए कहा जाता है। साइन इन तो आप तभी करोगे जब आप क्रिएट करोगे, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट ये दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। अब अपने लिए आप जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप पर्सनल यूज के लिए जीमेल आईडी क्रिएट करते हो फ्री वाला, तो आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज मिलता है गूगल ड्राइव पे, जिसमें कि आप फोटोज, फाइल्स कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना फर्स्ट नेम और सरनेम इंटर कर देना है, अगर सरनेम है तो, वैसे ये ऑप्शनल है, और इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, यानी कि डेट, मंथ और ईयर। इसके अलावा आप जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, मेल, फीमेल, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग हो, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फाइनली अपना जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, यानी कि @gmail.com से पहले जो आपका यूजर नेम होगा वो क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो यूजर नेम होगा वो यूनिक होगा। अगर जो जीमेल आईडी आप क्रिएट करना चाहते हो वो पहले से किसी ने क्रिएट कर लिया है तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, नॉट अवेलेबल का एरर आ जाएगा। तो आपको एक यूनिक सा बनाना होगा। तो यहाँ जो आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना है उसमें आपको लेटर्स, नंबर्स या फिर फुल स्टॉप रखना है। इसके अलावा और कोई चीज आप यूज नहीं कर सकते हो। बाकी आपको जो ईमेल मिलेगा उसका डोमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, @gmail.com मिलने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने नाम के अकॉर्डिंग नंबर्स, अल्फाबेट और फुल स्टॉप को यूज करके एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लोगे यूनिक सा। यहाँ पे मैंने एक जीमेल आईडी इंटर कर दिया है जो मुझे रखना है, और अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, दिस यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। इसके अलावा यहाँ पे गूगल आपको सजेस्ट भी कर देता है कि आप इस टाइप का जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो अवेलेबल में। तो अगर आप गूगल द्वारा सजेस्टेड जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से और भी नंबर, अल्फाबेट्स ऐड करके एक यूनिक सा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ मैंने फिर से कुछ चेंजेस कर लिया है और नेक्स्ट पे क्लिक करके देखता हूँ। अब देख सकते हो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी कि जो मैंने एंटर किया था वो यूनिक सा जीमेल आईडी था।
अब आपको अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भी सेट करना होगा। तो जब आप लॉगिन करने जाते हो जीमेल आईडी को, तो आपको जीमेल आईडी के साथ साथ पासवर्ड भी इंटर करना होता है। तो वही आप अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लोगे। तो आप अपने पासवर्ड में नंबर्स, अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स कुछ भी रख सकते हो, और पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है। आप चाहो तो सो पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड देख भी सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यस आई एम इन इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली रिव्यू कर लोगे और इसे नोट डाउन करके भी रख लोगे। वैसे जीमेल आईडी क्रिएट होने के साथ ही ये जीमेल आईडी आपके मोबाइल में भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा शुरू शुरू में मैंने जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक किया था, ऑलरेडी एडेड जितने जीमेल आईडी थे वो मुझे दिख जाते हैं। तो ये जीमेल आईडी जो मैं क्रिएट कर रहा वो भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। और इस तरीके से दोस्तों मेरा गूगल अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ऐड भी हो चुका है। अगर मैं दिखाऊं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो मेरा जीमेल आईडी जो कि मैंने अभी क्रिएट किया। सिंपली मुझे इस पे क्लिक करना है और ये जीमेल आईडी मुझे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी जीमेल आईडी आपको देखना हुआ, यानी कि उसका ईमेल पढ़ना हुआ, तो आप सिंपली प्रोफाइल पे जा करके उसको सेलेक्ट कर लोगे और जीमेल आईडी को आपस में स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपने जीमेल आईडी में मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी को ऐड करना है, ताकि आप फ्यूचर में पासवर्ड वगैरह भूल जाओ तो पासवर्ड को रीसेट कर सको, अकाउंट को रिकवर कर सको। इसके अलावा कैसे आपको अपने जीमेल आईडी का प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब का प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है, इसका लगा हुआ नहीं है। बाकी कैसे आपको अपने जीमेल आईडी को हैक होने से बचाना है, यानी कि फ्यूचर में किसी को अगर आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड दोनों पता चल जाता है तो भी वो आपकी जीमेल आईडी को लॉगिन ना कर पाए, तो आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका गूगल अकाउंट मैनेज होने के लिए ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको सिंपली पर्सनल इन्फो में आ जाना है। पर्सनल इन्फो में आने के बाद यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके ये जो कैमरा का आइकन है, आप अपने जीमेल आईडी का प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हो। कभी भी आप चाहो तो अपना नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से। बाकी आप मोबाइल नंबर अगर ऐड करना हुआ तो सिंपली आप सिक्योरिटी में आ जाओगे। सिक्योरिटी में आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपना रिकवरी फोन नंबर या फिर रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। बस आपको फोन नंबर इंटर करना है, उस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा वो इंटर करना है और आपका फोन नंबर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप एक रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल आईडी है तो वो ऐड कर सकते हो रिकवरी में, ताकि आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाओ तो इसी के माध्यम से रिकवर कर सको। बाकी ये दोनों ऐड करने के बाद आप अपने गूगल अकाउंट के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर लोगे। तो अभी ये ऑफ किया हुआ है, तो जैसा कि इसका नाम है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसको ऑन करने के बाद जब भी आप गूगल अकाउंट लॉगिन करने जाओगे या फिर कोई भी लॉगिन करना चाहेगा, तो उसको दो बार में वेरिफिकेशन करना होगा। पहला वेरिफिकेशन वो पासवर्ड डाल के करेगा, और दूसरा वेरिफिकेशन या तो वो गूगल प्रॉम्प्ट को यूज करके करेगा जो कि आपका रिकवरी फोन पे भेजा जाएगा। इसके अलावा या तो वो रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी मोबाइल नंबर पे कोड रिसीव करके वेरीफाई करेगा। तो इस तरीके से डबल सिक्योरिटी हो जाती है। ऐसे में किसी को आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पता भी चल जाता है तो भी वो आपके परमिशन के बिना उस ईमेल आईडी को, यानी कि जीमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा, अनटिल और अनलेस उसके पास रिकवरी फोन है या फिर रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी है जिसपे वो कोड रिसीव कर सकता है। तो ये चीजें आपको कर लेनी है ईमेल आईडी क्रिएट करते ही, ताकि आपका जीमेल आईडी सिक्योर रहे।